हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ सका हूँ, थोड़ा अभी उठा हूँ, मतलब कि टाइम हो चुका है 8:30 बजे, 8:30 बज चुके हैं। और क्योंकि आज मुझे ना बैंक में जाना था और अपना अकाउंट के लिए, क्योंकि जो मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, जो मेरा एक डॉक्यूमेंट रहा था सोशल, उसके अंदर जो मेरा यहाँ का एड्रेस चेंज होना था वो मैंने कर लिया। क्योंकि मैंने जिन्होंने मतलब जिसमें ना पहले जो एड्रेस था सोशल पे, उस एड्रेस पे मतलब कि जिन जिनसे मैंने जिनके थ्रू मैंने पेपर लॉक करवाया था ना, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, तो वो कह रहे कि ये तो मेरा ही एड्रेस है तो मैं इस पे मंगवा लूँगा। तो उन्होंने उस पे मंगवा लिया था और अब मैं उस उन्होंने मेरे को एड्रेस दे दिया था। तो उसके बाद मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल के उसमें लॉग इन करके, तो उसमें मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। और तो आज तो उसको मैंने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया था, सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं की आईडी से, साइट से, साइट खोल के वहीं से। और तो आज मैं जा रहा हूँ बैंक खुलवाने, अकाउंट खुलवाने, बैंक नहीं अकाउंट खुलवाने, बैंक तो खुल रही है, अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ। तो बस अभी मैं उठाऊँ तो अभी उठ के होते हैं तैयार, फिर मिलते हैं आपको। तो भाई रेडी रूडी होके, तैयार तुर होके मैं अपना निकल चुका हूँ बैंक की तरफ। और मैं जाऊँगा कम्बोई में, कम्बोई मतलब छोटी ट्रेन मेट्रो वाला, क्योंकि बस का भी वही टाइम है, मतलब 10 मिनट पहले है बस, बट जो कम्बोई है कम्बोई सबसे पहले पहुँचा देगी, क्योंकि कम्बोई में लगाने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद हम सीधा पैदल जाना उसके बाद, तो लेके चलने का आपको दिखाऊंगा पूरा सफ़र। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपना कम्बोई स्टेशन पे, मेरे स्टेशन बिल्कुल सामने ही है, मेरे बैक साइड में। अब चलते हैं यहाँ से, बाकी जो कम्बोई है अभी 12-13 मिनट बाद है, 13 मिनट बाद है पूरे। तो देखते हैं, अब करते हैं वेट, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो फिर मैं उतर चुका हूँ अपना मेट्रो में से, कम्बोई में से, और मैं निकल रहा हूँ स्टेशन से बाहर, तो मिलता हूँ आपको बाहर जाकर ही। तो फिर मैं आ चुका हूँ अपना स्टेशन से बाहर और मैं जा रहा हूँ अपना पैदल पैदल, 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से बैंक का। तो मैं निकल चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ अपनी मेन रोड पे, जो बैंक की मेन रोड है, दिखाता हूँ आपको। तो ये वो मेन रोड बैंक की, अब यहाँ से 2 मिनट ही मार लो, 2 मिनट के रास्ता बचा है तो आगे की तरफ, तो आपको बैंक के बाद फोन करी। तो फिर मैं पहुंच चुका हूँ बैंक में, अब मिलता हूँ आपको अंदर जाकर ही, देखने का रहेगा। तो भाई मैं ना बैंक से बाहर आ चुका हूँ, मतलब मैं अंदर ही गया था, तो गेट पे जैसे खड़े थे ना सिक्योरिटी गार्ड, तो उन्होंने पूछे थे वो कि क्या काम है, तो मैंने बताया कि मुझे बैंक खुलवाना है, अकाउंट खुलवाना है। तो वो कह रहे कि मंडे और ट्यूसडे को खुलता है सिर्फ, बाकी और दिन जो है अपॉइंटमेंट होती हैं और बहुत काम होगी, तो इसलिए वो कह रहे कि मंडे और ट्यूसडे को आए। तो हम आएंगे मंडे को, तो देखते हैं क्या रहेगा। तो अब हम चल जा रहे हैं घर की तरफ, तो मिलते हैं आपको अपना बस वगैरह में बैठ के, देखते हैं बस में या कम्बोई में जिसमें जाएंगे, टाइम देख लेता हूँ एक बार किसमें क्या है दोनों का, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्योंकि बस ट्रेन तो अभी आए, तो अभी तो वो मे बी हो जाएगी आधे घंटे तक, तो बस का देख लेते हैं, अगर अभी होगी तो बस में चल लेंगे, नहीं तो फिर अपना जाएंगे जो बस आई है ये नहीं जाएगी अपने वहाँ, बस उसमें जाएगी।
7 नंबर रेंज जाएगी वहाँ पे, तो देखते हैं अब जो सिर्फ जाएगी बस में, देखते हैं नहीं तो फिर कमरे में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको बताऊँगा जैसे भी जाऊँगा। तो भाई यहाँ से ना जहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ये बैंक के बाहर ही है, यहाँ से जाएगी अपना बस 1 नंबर जो कि अभी 11:08 में है, 11:08 पे, और जो कम्बोई है वह है 11:25 पे। तो मैं बस में ही जाऊँगा, तो अभी कर रहा हूँ बस की वेट, तो मिलते हैं आपको बस में बैठने के बाद ही। बाकी मेरे पीछे मिलेनियम बैंक, बाकी ये कह रहे हैं कि इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा कटते हैं इसलिए मैं नौ बैंकों में खुलवा रहा हूँ, बाकी यहाँ जितने भी हैं सबके ऑलमोस्ट नौ बैंकों में ही अकाउंट है, तो इसलिए नौ बैंकों में ही आया था। तो कोई बात नहीं, आप मिलेंगे यहाँ दोबारा आएंगे मंडे को, फिर देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल जाते हैं घर की तरफ, फिर देखते हैं खाना पीना खा के क्लास में भी जाना है, तो जो भी होगा बताएंगे आपको। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में, और अब निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधा घर पहुँच के, क्योंकि घर जाकर ही आराम से खाना पीना खा के फिर निकलेंगे अपना कोचिंग के लिए। तो मिलते हैं सीधा घर पर। तो गाइस मैं पहुंच चुका अपना घर पे, और अभी करते हैं थोड़ा सा वेट 1-2 घंटे का, ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे जाना है कोचिंग के लिए, लैंग्वेज कोचिंग के लिए। बाकी फ़िलहाल के लिए आपका अपना जो मेन था बैंक अकाउंट का, तो वो आज मैं सिर्फ इसी यहीं तक ख़त्म करूँगा उस वीडियो को, बाकी जो कोचिंग की है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अब उसी वीडियो में, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी किसी को अगर जानना हो पुर्तगाल में कि बैंक खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और लाइक मुझे इंस्टा मैसेज कर सकता है, हरियाणवी इन अब्रॉड के नाम से ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो डॉक्यूमेंट होंगे मैं उनको जरूर बताऊंगा, और कहाँ पे जाके खुलवा सकते हो। बाकी सोशल और फाइनेंस का भी, मैं सोशल का मेरा पासवर्ड हो गया चेंज, मतलब कि मेरा एड्रेस जो मैंने चेंज कराना था वो हो गया, आईडी पासवर्ड आ गया मेरे पास। बाकी अब मैंने जाना है फाइनेंस ऑफिस में भी जाना है मेरे को, तो मैं फाइनेंस ऑफिस में जाऊंगा मे बी मंडे को, मंडे नहीं तो ट्यूसडे को, बाकी क्योंकि अब मेरे को जाना है वहाँ पे, अकाउंट भी खुलवाना है मेरे को और फाइनेंस का भी देखना है, तो पहले मैं अकाउंट ही खुलवाऊंगा, तो मंडे को मिलने, तो मंडे को देखते हैं खुलवाएंगे अकाउंट। तो अभी तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड राम राम सभी को।